हेलो टेरेस, वेलकम टू एलाइसब्लू। मैं होती बहन गोगोई और आज हम बात करेंगे क्रूड ऑयल। और आप देख सकते हैं ये मैंने 15 मिनट चार्ट क्रूड ऑयल लिया, तो आप देख सकते हैं क्रूड ऑयल कॉन्टिन्यूसली ऊपर जा रहा है। और यहाँ पे हमें एक बात कॉन्फर्म मिला हुआ है, 50 मूविंग एवरेज। जो आपने ये थोड़ा ऑरेंज कलर, एग्जैक्टली ऑरेंज कलर नहीं है, ये जो लाइन है एग्जैक्टली कलर क्या है मुझे ये पता नहीं। तो ये 50 मूविंग एवरेज अभी 150 मूविंग एवरेज के ऊपर में है। आप देख सकते हैं ये 50 मिनट और ये 150 मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल अभी भी इसका ऊपर रनिंग है। तो इसका मतलब है ये अभी भी 15 मिनट जो माइनर ट्रेंड होता है, तो माइनर ट्रेंड अभी भी अप ट्रेंड लिया हुआ है यहाँ पे। तो हमें एंट्री कहाँ करना है यहाँ पे, तो इसलिए ये अभी बाय मतलब अप ट्रेंड में है, तो अप ट्रेंड में हमें बाय करना है। तो बाय कहाँ करेंगे, क्योंकि आप ट्रेंड में कभी आप बाय करेंगे तो यहाँ एरिया में तो मार्केट नीचे आ जाता है, राइट। ये एरिया बाय करेंगे तो नीचे आ जाता है, एरिया में ऊपर में बाय करेंगे तो नीचे आता है। तो एग्जैक्टली हमें बाय कहाँ करना है, तो आप देख सकते हैं ये हमें पता चल गया ये अप ट्रेंड में है, राइट। तो क्या करना है, जो अप ट्रेंड में जब मार्केट रहता है तो रिट्रेसमेंट जो होता है, तो आप देख सकते हैं प्रीवियस रिट्रेसमेंट 200 में हुआ था, तो यहाँ पे हमें बाय करना था, राइट एग्जैक्टली। तो नेक्स्ट आप देख सकते हैं हायर पॉइंट गया, तो फिर से रिट्रेस किया कहाँ पे, 200 के आसपास। तो एग्जैक्टली हमें एंट्री करना है यहाँ पे बाय में। क्यों बाय में करना है, सेल क्यों नहीं करना है इसमें, तो इसमें हमें सेल नहीं करना है क्योंकि ये अप ट्रेंड में है, राइट। तो आप देख सकते हैं फिर से मार्केट ऊपर गया और रिट्रेसमेंट कर रहे, राइट। तो रिट्रेसमेंट जब कर रहे हैं तो हमें बाय करना है और एस एल इसका नीचे लगाना है। जैसे यहाँ पे हमें बाय किया तो एस एल इसका नीचे, बाय किया एस एल नीचे, और बाय करेंगे हम यहाँ पे एस एल इसका नीचे रहेंगे और टारगेट 4150 का आसपास हम रखेंगे। और तो आप लगा भी सकते हैं ये 4100 का आसपास टारगेट लेके आप मार्केट से निकाल सकते हैं, राइट। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।